कहावत, वो मुहावरा वो आपने सुना, 100 सुनार की और 1 लुहार की। उत्तराखंड के संदर्भ में आज ये मुहावरा क्यों सटीक है? दरअसल इस सियासी मुहावरे के इर्द गिर्द 2 किरदार हैं, एक हरीश रावत और दूसरे हनक सिंह रावत, जिन्हें कहा जाता है हनक सिंह रावत, हनक। अब उनकी हनक हरीश रावत ने निकाल 100 सुनार की और 1 लुहार की। अब ये कहावत बिल्कुल सटीक और फिट बैठती है इस पूरे सियासी स्क्रिप्ट और किरदार में। हरीश रावत उत्तराखंड की सियासत के वो माहिर खिलाड़ी है जो एक तीर से 4 शिकार करना जानते हैं। लोग एक तीर से 2 शिकार करते हैं, हरीश रावत एक तीर से 4 शिकार। जो कहते हैं वो करते नहीं, जो कहते हैं वो करते नहीं, जो नहीं करते वही कहते हैं। हरीश रावत के सियासी चक्रव्यूह में हरक सिंह रावत क्या फंस गए, ना इधर के रहे ना उधर के, ना इधर के रहे ना उधर के। हरीश रावत ने जो सियासी तीर छोड़ा उसमें हरक सिंह रावत रनआउट हो गए। रनआउट जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये रनआउट हो गए। 4.5 साल कोटद्वार की जनता को रुलाया, आज खुद आंसू बहा रहे हैं। 4.5 साल कोटद्वार की जनता रोई, जैसे 5 साल रुद्रप्रयाग की जनता रोई थी, वैसे ही कोटद्वार की जनता भी 4.5 साल रोई, आज वो खुद आंसू बहा रहे हैं, पपक पपक कर रो रहे हैं। देखिए, वो हरक सिंह रावत है जिनकी हरक उत्तराखंड की सियासत की जान बनी। अब ये तस्वीरें, हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते ठहाके लगाते सीएम साहब के साथ, ये तस्वीरें कुछ याद दिलाती। ये कैसी सियासी स्क्रिप्ट थी जिसमें हरक सिंह रावत खुद को मंझा हुआ, कहते थे ना सत्ता मंत्री मंत्रालय मेरे जूते की नोक पर। हरीश रावत ने जो सियासी स्क्रिप्ट लिखी उसमें क्या सिर्फ और सिर्फ हरक सिंह रावत एक्टर बनकर रह गए, सियासी कलाकार, और उसमें क्या उन्हें विलेन की भूमिका हरीश रावत उनके लिए लिख रहे थे, भले ही विक्टिम कार्ड जेब में रख के हरक सिंह रावत घूम रहे, बता रहे हैं कि बीजेपी ने उनके साथ दगा किया, लेकिन वो 2016 का दगा याद नहीं दिला रहे। जब 2016 में हरक सिंह रावत ने हरीश रावत को दगा दिया, कहते हैं ना इतिहास अपने आप को दोहराता है, बस एक बार फिर से करवट लेता है। आज 2016 के बाद 2022 बस करवट ले रहा है। हरीश रावत ने हरक सिंह रावत कैसे फंसे, हो सकता है कि हरक सिंह रावत ने वही किया जो हरीश रावत ने चाहा। आज कहते हैं कि मैं 100 बार माफी मांगूंगा, 100 बार। वो हरक सिंह रावत जो कहते थे कि मंत्रालय मेरे जूते की नोक पर, गर्म पानी में वो कहते थे सबसे कम उम्र का मंत्री बना, वो कहते थे कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, आज कह रहे हैं कि हरीश रावत जी मैं माफी मांगता हूँ। तो यही है सियासत। तभी हमने कहा 1 सुनार की 100 सुनार की 1 लोहार। अब लोहार कौन है और सुनार कौन है आप खुद ही तय करें। ये सियासत के किरदार हैं, हरक सिंह रावत हरीश रावत, सियासी पिच पर रनआउट होते हुए हरक सिंह रावत। सीधा रुख करूंगा अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देता हूं। कमलेश रमन जी मेरे साथ जुड़ चुकी है, कांग्रेस की वरिष्ठ अनुभवी और निष्ठावान लगा रहा हूं, इसके पीछे एक तर्क है, निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में मैंने कमलेश जी को बहुत लंबे अरसे से देखा है, निष्ठावान। मेरे साथ हिमांशु जी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के युवा चेहरे हैं। हिमांशु जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे साथ पवन जी कार्यक्रम का हिस्सा होंगे जो कि बीजेपी के नेता है, बीजेपी के चेहरे हैं,
जो कि बीजेपी का पक्ष है। कमलेश जी, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। मैंने कहा निष्ठावान कमलेश रमन जी, मैंने 22 साल में अपने पत्रकारिता के जीवन में जब से मैंने उत्तराखंड में सियासी दौर को देखा समझा, मैंने आज तक कमलेश जी आज तक मैंने हरक सिंह रावत को इतना बेबस, इतना मजबूर, इतना असहाय कभी नहीं देखा। आपने देखा कभी? देखिए, ये वक्त की मार होती है और जब व्यक्ति का वक्त बहुत बुरा होता है तो समय भी उसका साथ नहीं देता, ये सच है। ज्वाइन कर लिया क्या? और जब वक्त बहुत अच्छा होता है तो व्यक्ति कुछ भी कर गुजरता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज कोई वक्त है क्योंकि हरक सिंह रावत जी बहुत सीनियर है, बहुत बड़े हैं और राजनीति में बहुत ही परिपक्व हैं। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, एक किस्म से उनको चाणक्य माना जाता है। और मैं तो चाणक्य हरीश रावत जी को मानता हूँ। ऐसा जाल बुना कि हरक सिंह रावत तरीके सारी हनक निकाल दी। जी, देखिए, मैंने आपको कहा कि वक्त की बहुत बड़ी मार होती है। जब वक्त आदमी का सही होता है तो हर व्यक्ति उसका साथ देने को खड़ा होता है, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो परछाई भी साथ छोड़ के चल देती है। कितना बुरा वक्त आया आज, अगर किसका बुरा वक्त आया? देखिए, मैंने जनता का था 4.5 साल। मैंने व्यक्ति का कहा चावला जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने कहा कि हरक सिंह जी की हनक हरीश रावत जी ने निकाली। हरीश रावत जी बहुत ही सीनियर लीडर हैं और बहुत ही परिपक्व, वो हरक सिंह जी से भी ज्यादा बड़े, ज्यादा कहते हैं जिन्हें अभी आपने कहा कि ज्यादा बड़े चाणक्य, वो हरीश रावत जी है। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि व्यक्ति को हमेशा बहुत सारी चीजों को संभल के चलना चाहिए। आप कहीं भी जाओ, किसी भी दल में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जुबान से निकलने वाले एक शब्द जनता सुनती है, कार्यकर्ता सुनते हैं। आपको याद है? आपको याद है वो शब्द? जी, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। मुझे याद है, मैं उस समय विधानसभा में ही थी जिस वक्त 7 बजे ये सरकार गिरने की कगार पे थी। हम लोग विधानसभा के अंदर थे और बहुत सारी चीजें कार्यकर्ता गिड़गिड़ा कह रहा था कि सरकार लेकिन उनकी क्या मजबूरिया थी तो आपको याद होगा ना, वो गालियों की गूंज सुनाई देती है आज भी, गालियों की गूंज। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो कार्यकर्ता को याद रहती है, नेताओं को भी याद रहती है। उनकी क्या मजबूरिया थी उस वक्त हम नहीं समझ पाए, आज उनकी क्या मजबूरिया है आज भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति में एक चीज है कि जब राजनीति में कोई व्यक्ति होता है तो कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ध्यान हमेशा रखा जाना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता ही नेता बनाता है, क्योंकि नेता कार्यकर्ता को नहीं बनाता, कार्यकर्ता नेता बनाता है। पवन जी, सुना आपने? आपको भी लगता है कि हरीश रावत के सियासी चक्र में हरक सिंह रावत फंस गए? देखिए चावला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज एक अच्छा विषय अपने चैनल के माध्यम से उठाया। दरअसल कांग्रेस की हालत यह है कि वो आज इस मोड़ पर खड़ी हो गई है, तो जाए कहां। आज आपने देखा होगा हरक सिंह रावत जी, आपने जो हरीश रावत जी थे वो गालियां देते थे और किस तरह से उनको बुरा भला कहा, ये सब जग जाहिर है, सभी टीवी ने दिखा। आज वो उनकी मजबूरी समझ लीजिए या दबाव समझ लीजिए, उनको पुनः हरक सिंह रावत जी को ना चाहते हुए भी कांग्रेस को अपने पार्टी में सम्मिलित करना पड़ा। क्योंकि मैंने समझता है तो उनकी पार्टी समझ सकती है कि आखिर कारण क्या है, उनको इतनी मजबूरियां क्या है कि जिस व्यक्ति ने, हरक सिंह रावत जी जैसे व्यक्ति ने अपने हरीश रावत जी को, जो इन कांग्रेस पार्टी के आज ये सर्वेसर्वा बता रहे हैं, अभी तो ये मुझे मालूम नहीं कि इनका
पार्टी का सर्वे सर्वा है आखिर कौन, तो कल वो कह रहे थे कि वो माफी मांगेंगे तो ले लेंगे, आज हरक सिंह रावत जी वो कह रहे ना ना, आप ये मत सोचिए जो वो वाले हरक सिंह रावत जी कहते थे कि ना ना धारी देवी की कसम खाता हूँ मंत्रालय नहीं लूंगा, वो वाले हरक सिंह रावत नहीं है, वो कह रहे 100 बार माफी मांगूंगा, 100 बार रावत जी है वो भी अपने मतलब के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा ये मतलबियों की फौज है, ये सारे मतलबी हैं पवन जी, ये सारे मतलबी हैं पवन जी, पवन जी कनेक्ट करवा रहा हूं। ओके हिमांशु जी, आप किस तरह से देखते हैं इस सियासी घटनाक्रम को? नमस्कार, कैसे देखते हैं आप? मैंने तो कहा एक सुनार की 100 सुनार की एक लोहार की, आपको भी ऐसा ही लगता है? सर ये दोनों सुनारी हैं और दोनों लोहारी हैं। अच्छा, की दोनों सुनार हैं और दोनों ही लोहार हैं। अच्छा, एक दूसरे को जहाँ जिसको मौका मिला, जहाँ एक दूसरे को पटकने दे सकते थे वो पटकने दी इन लोगों ने। ये सियासी भूचाल जो आप उत्तराखंड की राजनीति में देख रहे हैं कि आज कांग्रेस में, कांग्रेस वाले भाजपा में जा रहे हैं और कह के जा रहे हैं कि अगर वो बुलाएंगे तो हम आएंगे, इतने में मात्र निमंत्रण आ भी जाता है और सरिता आर्य जी चली भी जाती है। दूसरी तरफ से देखते हैं कि यशपाल आर्य जी भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं और दूसरे अन्य नेताओं को भी अपने साथ लेके आ रहे हैं। तो एक किस्म से दोनों पार्टियां मिली जुली सरकार चलाती है, नेता भी दोनों पार्टियों के सेम है और विपक्षी दल भी सेम है, तो ना नेता है ना पक्ष है ना विपक्ष है, ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगाती रहेंगी, जहां बात काम करने की आएगी वहां पे खींचातानी, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलना, इसके अलावा इन दोनों पार्टियों ने कुछ करना ही नहीं। मैं आदर करता हूँ मेरी बड़ी दीदी का, कमलेश अमन जी का, और नहीं नहीं कमलेश ही तो बहुत निष्ठावान है, बहुत निष्ठावान है, ये 30 साल से निष्ठावान ही है मैं देख रहा हूँ, लेकिन उनके उन्होंने कई नेता बना दिए कई नेता बना दिए लेकिन आज भी ये कार्यकर्ताओं की फौज में खड़ी है, ये खुद नेता नहीं बन पाई लेकिन नेता बना दिए। ये पार्टी की, इनकी पार्टी की रीति नीति है कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता बन के ही रह गया, कितने लोग आए कितने लोग चले गए उन लोगों को ये नहीं पता चल पाया कि हमें किसको आगे बढ़ाना किसको नहीं आगे बढ़ाना। तो आपको क्या लगता है हरक सिंह रावत पर भारी पड़ गए हरीश रावत? देखिए भारी तो पड़े, अब दिख रहा है जिस व्यक्ति के अंदर इतना घमंड था, जो व्यक्ति अभी आप बता रहे थे, जो व्यक्ति कहते थे मैं मंत्रालय को ठोकर पे रखता हूँ, जूते की नोक पे रखता हूँ, आज वो किस तरह उनका रोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है हर जगह। और ऐसा ही एक वीडियो हमने 2017 में देखा था कि जब वो पहले भी रोते हुए नजर आए थे। ये सिर्फ जनता को बरगलाने का काम करना है, इन लोगों का काम कुछ नहीं करना है, इसे जनता को के साथ ठग रहे हैं, जनता को ठगा इन दोनों ने। ओके ओके पवन जी एक बात बताइए, ये हरक सिंह रावत विक्टिम कार्ड लेकर चल रहे हैं पवन जी, वो विक्टिम कार्ड लेकर चल रहे हैं, कह रहे बीजेपी ने दगा कर दिया मेरे साथ, बीजेपी ने धोखा दे दिया मुझे, बीजेपी ने बेवफाई कर दी मेरे साथ, वो विक्टिम कार्ड लेकर चल रहे हैं, रो रहे हैं वो, क्यों रुला रहे हैं आप इतना हरक सिंह रावत को? पवन जी चावला जी, मैं जहां तक समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी कभी किसी के, जी मेरी आवाज पहुंच रही क्या? बिल्कुल बिल्कुल पवन जी बात रखिए। हेलो जी, भारतीय जनता, मेरा कहना यह है चावला जी कि भारतीय जनता पार्टी कभी किसी से कोई दगा नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी में एक समूह के तौर पर जो विधायक लोग आए थे उनका हमने बराबर अपने परिवार में मिलाकर सम्मान दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो बीच बीच में आपने देखा होगा किस तरह से हम लोगों को ब्लैकमेलिंग करने का काम करते थे, दबाव की एक राजनीति करते थे, कई बार संगठन के द्वारा कई बार सरकार के द्वारा हमने उन्हें समझाने का कोशिश किया, प्रयास किया, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। हमने कभी किसी की किया, हमने उनको समझाने का काम किया, आप परिवार में तो भाजपा की, आप कांग्रेस की विचारधारा को बदल करके भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के अनुरूप चलिए, हम बराबर आपका सम्मान करें, लेकिन बार बार कहने आप हरक सिंह रावत को ब्लैकमेलर, उनका उनका प्रयास था नहीं, हरक सिंह रावत जी बार बार प्रयास कर रहे थे दबाव की राजनीति करने के लिए, दबाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती ना कभी सहमती, ये दबाव की राजनीति भले ही कांग्रेस करती हो या वो सहती हो, भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी। आपके नेता के लिए इतना बुरा क्यों सोचते हैं हरक सिंह रावत के लिए? ये कह रहे ब्लैकमेलर थे,
हरक सिंह रावत ब्लैकमेलर थे। देखिए तिलक जी, अभी पवन जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्वासघात नहीं करती, तो अगर विश्वासघात नहीं करती तो 2016 में जो इतना बड़ा विश्वासघात इस उत्तराखंड की लोकतंत्र की सरकार को किया था वो क्या था? वो विश्वासघात नहीं था, हमारे 9 विधायकों को लेकर के चले गए वो भारतीय। देखिए चलती हुई सरकार को आप इसका जवाब सुन लीजिए, इनके केंद्र में हमने धोखा नहीं किया, आपने विश्वासघात नहीं किया प्रदेश के अंदर, तो क्या किया वो हमने अपने प्रदेश के अंदर तीन तीन विश्वासघात भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। कांग्रेस के टिकट पर जो जीत कराए थे उसका एक समूह था, आपने भारतीय जनता पार्टी लोगों ने ज्वाइन की और भारतीय जनता पार्टी ने उनका स्वागत किया। हमने अगर हमारा आपके आवाज अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के अनुरूप यहाँ पर खड़े हैं इस दोहराए पर, तो वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। उन्होंने इस उत्तराखंड को, इस उत्तराखंड के लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया और बार बार किया, एक बार नहीं किया बार बार किया। एक चलती हुई सरकार को जब केंद्र के नेता यहाँ आकर के गिराते हैं और उनके विधायकों को बरगला करके सरकार गिराने का काम करते हैं, तो इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा विश्वासघात का? आप बताइए अपने मतलब की रोटी चेकने को मिली उसी तरह उसका रुख बदल के चल देते हैं। जहाँ से इन्हें मंत्रालय मिला, जहाँ से इन्हें लॉलीपॉप मिला, जहाँ से इन्हें पैसे की सत्ता दिखाई दी, ये उसी तरह दोनों नेता चल दिए। हरक सिंह रावत जी का, हरक सिंह रावत जी को इस बार जनता बता देगी कि आप ना कांग्रेस के ना बीजेपी के, आप घर बैठिए, आपने बहुत राजनीति कर ली। और अगर कांग्रेस इन्हें लेती भी है तो कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि जनता समझ चुकी है। मैं इसकी बात का जवाब देना चाहती हूँ। ये कह रहा है कि कांग्रेस को उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। आप देख लीजिए आपके कार्यालय में किस तरीके से इनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, इनके कार्यकर्ता फाड़ रहे हैं। क्या ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आप पार्टी में शामिल नहीं किया? क्या इन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आप पार्टी में शामिल नहीं किया? आप कैसे कहते हैं कि हम ईमानदार हैं या इस प्रदेश के अंदर आगे विकास करेंगे? देखिए हम तो हमें तो एक मौका मिलने वाला है, हमें मौका मिलने वाला है, विकास करके भी दिखाएंगे। और ये पोस्टर वाली राजनीति हम लोगों से नहीं होती, पार्टी में शामिल करा रहे हैं और टिकट के नाम। देखिए अगर कोई पार्टी पे विश्वास करेगा, कोई अरविंद केजरीवाल जी की बातों से प्रेरित होगा, तो उस व्यक्ति को आम आदमी पार्टी में हम जरूर इन्वॉल्व करेंगे। अभी तक पार्टी ने, आपने कहा कि आप पार्टी यहाँ पर स्टैब्लिश होने जा रही है, कांग्रेस ने और बीजेपी ने ऐसा 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 किया। मैं अगर कार्यकर्ताओं की बात करते हैं तो हिमांशु भाई को आप पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो भी अटैची वाले ढूंढ रहे हैं, सिर्फ अटैची वाले चाहिए, गरीब कार्यकर्ता भी ढूंढ रहे हैं, राजपुर अटैची वाले ढूंढ रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं चलता। हमारे यहाँ जो व्यक्ति धरातल पे काम करेगा उसे टिकट मिलेगा। और जहाँ तक बात रही धर्मपुर विधानसभा की, धर्मपुर दीपक सहलवान ने घर घर जाकर के आपका आपका जो है योजनाएं दिखाई। दीपक सहलवान ने, अगर आपको याद हो, अगर नोट नहीं चलते, अटैची नहीं चलती, तो दूसरी डिंपल जी को आप टिकट नहीं देते विकास नगर के नाम से। ऐसा नहीं है दीदी, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति धरातल पे काम करेगा उन्हें टिकट मिलेगा। पार्टी के अन्य मानक भी होते हैं टिकट के लिए, पार्टी के अन्य मानक भी होते हैं। पवन जी आपको क्या लगता है कि हरक सिंह रावत के आने से खड़कती है खिड़कियां, हरक सिंह के रावत के जाने से खड़कती है खिड़कियां, और आप ये कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत जाएंगे तो बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा, आपको ये लगता है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को हरक सिंह जी के जाने से कोई नुकसान नहीं है। मैं समझता हूं कि अभी आपने देखा होगा कि इनकी प्रदेश की महिला अध्यक्ष सरिता जी, अभी उन्होंने हमारी पार्टी में आस्था जताई है और उन्होंने पार्टी ज्वाइनिंग की है अच्छे विचारधारा के साथ में, अच्छी विचारधारा के साथ। देखिए कमलेश जी, जो विश्वासघात की आप बात कर रहे हैं मैं उसका जवाब दे देता हूँ, सुनिए। देखिए आपकी
जो विधायक थे वो आपकी पार्टी से जीते, आपकी पार्टी से जीत करके आपके वहां जो चल रहा था, जो चल रहा था हरीश रावत जी के यहाँ, वो पार्टी में खुलासा हो चुका था। आपको ध्यान होगा, मैं बता रहा हूँ कमलेश जी, जी मैं बता रहा हूँ आप 2016 में स्टिंग ऑपरेशन देखिए हरीश रावत जी का, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं मिलेगी। आप ईमानदारी से स्टिंग ऑपरेशन देखें, उन सारी चीजों से त्रस्त होकर के आपके 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े और उस विचारधारा से जुड़ करके हमने उनका आदर सम्मान किया। पवन जी, पवन जी, मैंने स्टिंग स्टिंग का खुद खेल बहुत देखा है। कमलेश जी, कमलेश जी का बात का मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। आप ही कह रहे हरक सिंह रावत के जाने से कोई नुकसान नहीं होगा, पक्का जी? पक्का, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है, पक्का ना? हरक सिंह जी के जाने से भारतीय जनता पार्टी को, हाँ बिल्कुल पक्का, भारतीय जनता पार्टी को हरक सिंह जी के जाने से कोई नुकसान नहीं होगा। और हमने हरक सिंह जी को मनाने का एक प्रयास किया था, अपनी विचारधारा से पुनः जोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन दबाव की राजनीति कर रहे थे लगातार, भारतीय जनता पार्टी दबाव की राजनीति में नहीं आई, और इसलिए आज वो आज ऐसे चौराहे पर आकर के खड़े हो गए हरक सिंह जी के, ये तो अब कांग्रेस को लेना है कि नहीं लेना है। पवन जी, एक ब्लैकमेलर का समर्थन कर रहे थे? नहीं, हम ब्लैक ब्लैकमेलर को देखिए, आप ब्लैकमेलर कर रहे थे अभी हरक सिंह, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने ब्लैक मेलर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हरीश सिंह वो दबाव की राजनीति करना चाहते थे पार्टी। आपने बोला ब्लैक दबाव की राजनीति में आपके नेता कह रहे थे वो भ्रष्टाचारी थे वो, नहीं नहीं, मैं देखिए, मेरा कहना था कि मेरा एक ही कहना है, कौन क्या कह रहा है मैं उसकी बातों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में एक दबाव की राजनीति करना चाहते थे, बराबर दबाव, वो अपने पुत्र वधु के लिए बराबर टिकट मांग रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के हक में नहीं है। हमने अच्छा उनको ऐसा नहीं कि उनको सम्मान नहीं दिया, बराबर सम्मान दिया है, उनको मंत्री बनाया है, उनको उनको जो है हम अगर वो पार्टी में रहते उनको चुनाव भी लड़ाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी दबाव की राजनीति ना करी है, परिवारवाद नहीं करते। ओके, परिवारवाद नहीं करते, मैं समझ गया, नहीं तो कई उदाहरण अभी गिनवा देता। कमलेश जी, मुझे एक बात बताइए, खैर मैं विषय से नहीं भटकना चाह रहा, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, अब कितना रुलाएंगे हरक सिंह रावत को आप? अब वो माफी भी मांग रहे, कह रहे कि 100 बार माफी मांगूंगा, अब इतना थोड़ी ना होता है कि 2016 में आपने जो कुछ किया उसकी माफी मांग रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। आपने कभी देखा हरक सिंह रावत को इतना असहाय, इतना बेबस, इतना मजबूर? वो कह रहे हैं कि अब बात खत्म करिए, क्यों इतना फिर मामले को लटका रहे हैं? देखिए, मैं आपकी दोनों बातों का जवाब दूंगी तिलक जी। अभी पवन जी ने कहा था कि वो ब्लैकमेलर हैं, अगर वो ब्लैकमेलर थे तो आप 5 साल उनको क्यों झेल रहे थे, ये भी जवाब इनको देना पड़ेगा। दूसरी बात, आप उन्हें झेल रहे थे, आज ये भाषा बोल रहे हैं तो कल हरीश रावत बोला करते थे। तिलक जी, मैं बता रहा हूं, कल हरीश रावत यही बात बोलते थे जो बात आज पवन जी बोल रहे हैं। जी, मैं जवाब देना चाहूंगी तिलक जी, जब भाजपा में कोई शामिल होता है उसके उससे पहले उसके ऊपर कई आरोप लगते हैं, भ्रष्टाचार के लगते हैं, ब्लैकमेलिंग के लगते हैं, सब चीज के लगते हैं, पवित्र होता है जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होता। जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है वो पवित्र हो जाता है, गंगा मैया की तरह। भाजपा का चरित्र है, एक बार आप विश्वासघात करते हैं और विश्वासघाती को आप अपनी पार्टी में मंत्री पद देते हैं, आप उनको मंत्रालय देते हैं, आप उनकी हर चीज को मानते हैं, और जैसे ही वो पार्टी से बाहर जाने की बात करते हैं, कहीं और किसी दल में जाने की बात करते हैं, तो आप उनको ब्लैकमेलर बता देते हैं। दूसरा, आपने कहा कि हरक सिंह रावत जी को अब आप क्यों रुला रहे हैं, मैं उसका जवाब भी आपको देना चाहूंगी। देखिए, ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो देखेगा कि कहां पे क्या चीज करनी है। अगर को लेना होगा तो हमारे शीर्ष नेतृत्व उनको लेंगे और उनसे बात करेंगे, लेकिन किसी भी कंडीशन पे बात नहीं करेंगे, कोई कंडीशन उनके सामने नहीं होगी, वो अपनी कंडीशन पे नहीं आएंगे, कांग्रेस की कंडीशन पे आएंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस उनकी शर्तों पे उनको नहीं लिया जाएगा। लेकिन कमलेश जी, आप किस गलतफहमी में है? आप हरक सिंह रावत को जानती नहीं है क्या?
हरक सिंह रावत है वो। मैं आपको बताना चाह रही हूँ तिलक जी, मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर हरक सिंह जी पार्टी में आना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो देखिए हर राजनीतिक दल के दरवाजे सबके लिए खुले हुए होते हैं, ऐसा तो नहीं है। आप इस समय हरीश रावत जी ये देखेंगे कि क्या उन्होंने, जैसे उन्होंने कहा कि मैं 100 बार भी माफी मांग लूंगा, अगर सुबह का भूला शाम को आना चाहता है तो हमारा पार्टी शीर्ष नेतृत्व ये देखेगा। तिलक जी मेरी पूरी बात होने दीजिए प्लीज। देखिए हमारा शीर्ष नेतृत्व ये देखेगा, कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और हर सिंह को भी इस वक्त समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप चलना पड़ेगा। हर वक्त अपना निजी स्वार्थ नहीं होता है, अगर नेता हर वक्त अपना निजी स्वार्थ लेके चलेगा, कार्यकर्ताओं को दरकिनार करेगा, तो हमेशा ऐसे ही मुंह की खाएगा जैसे आज हर सिंह जी रो रहे हैं। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। कार्यकर्ताओं को हमेशा कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए, उनका विश्वास जीतना चाहिए, उसी के बाद नेता को चलना चाहिए, और वही चीज हमारी पार्टी कर रही है। अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेगी, अपने शीर्ष नेतृत्व को विश्वास में लेगी, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं करेगी कि विश्वासघात करो और अपनी पार्टी में लिया और पवित्र बना दो आरोप लगा करके। कांग्रेस हमेशा बहुत चीजों को देखेगी, हरीश रावत जी उसमें बैठे हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, बड़े बड़े लीडर उनको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, सारी चीजों को जान रहे हैं। और सोनिया गांधी जी के निर्णय लेंगी कि हर सिंह जी को लेना है कि नहीं लेना है, सोनिया गांधी जी के ये ऊपर निर्णय है। और हरीश अगर हरक सिंह जी, देखिए मैंने आपको कहा कि राजनीति में दबाव की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ये जो दबाव का जो प्रेशर पॉलिटिक्स होती है ना, यही सबसे बड़ी खराब होती है, और एन मौके पर अगर प्रेशर पॉलिटिक्स आप करोगे तो नहीं चलेगा। कमलेश जी, ये सोनिया गांधी जी ने डिसाइड नहीं करना, ये सोनिया गांधी जी ने डिसाइड कर लिया था। देखिए तो, सोनिया गांधी जी ने छोड़ दिया हरीश रावत जी के ऊपर, सोनिया गांधी जी ने हरीश रावत जी के ऊपर छोड़ दिया है। आप क्योंकि बरगलाइए, जो नहीं जानता हो, मैं तो जानता हूँ कि कांग्रेस भवन के बाहर चौकीदार का नाम भी क्या है, जो चौकीदार बैठता है कांग्रेस भवन के बाहर राजपुर रोड पे, मैं तो उसका नाम भी जानता हूँ। मैडम आप क्यों मुझे खामा का गुमराह कर रही हैं, है ना? तो आप ये बताइए कि हरीश रावत मान क्यों नहीं रहे, आपको क्या लगता है? देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जब 2016 में सरकार गिरी तो एक साल तक सरकार को रन करना पड़ा सड़कों पर, लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के उस कुकर्म को बचाने के लिए जो उन्होंने किया था, तो वो चीजें भी तो सामने आएंगी। और कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप फैसला लेना है पार्टी को। कौन सा कुकर्म किया था? अगर चाहेगा कार्यकर्ता, अगर चाहेगा हर सिंह जी को लेना तो जरूर हर सिंह जी आएंगे, अगर कार्यकर्ता नहीं चाहेगा तो नहीं आएंगे। ये हरीश रावत जी की भावनाएं हैं, ये सोनिया गांधी जी की भावनाएं हैं कि उत्तराखंड का कार्यकर्ता क्या चाहता है, उत्तराखंड के वो कार्यकर्ता जो जमीन स्तर पे 5 साल कांग्रेस को सींचा वो क्या चाहता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की भावनाएं भी कहीं ना कहीं मायने रखती है। वैसे नेता मानते नहीं है भावनाओं को, मैं आपको बताऊं, नेता हमेशा कार्यकर्ताओं की भावनाओं को कुचल के चलते हैं, वो उनकी भावनाओं की कदर नहीं करते हैं, ये हकीकत है, सच्चाई है। वो है निष्ठावान कार्यकर्ता, कमलेश रमन जी निष्ठावान, मैं तभी कह रहा था कर्मठ निष्ठावान, मैंने तभी कहा था निष्ठावान। पवन जी, मैंने ना अभी कुछ रोज पहले, ये पूरे प्रकरण से पहले, हरीश रावत जी का इंटरव्यू किया था, कमलेश जी आपके भी काम आएगा, सुनिएगा। मैंने उनसे पूछा कि 2016 में जब आपकी सरकार की पीठ में खंजर घोपा गया था, खंजर किसके हाथ में था? वो बोले ये तो किरदार थे, जी, असली स्क्रिप्ट तो कोई और लिख रहा था, बिल्कुल डायरेक्टर कोई और थे। फिर पवन जी, उन्होंने एक बड़ी बात कही, अब सुनिएगा, अब बहुत मुस्कुरा रही है ना आप मैडम, अब सुनिएगा। फिर बोले, मैंने कहा कि कोई ऐसा चेहरा तो होगा जिसे मंत्री ना बनाने का मलाल हुआ होगा, वो टाइमलाइन पे जाएगा, आपको पूरा इंटरव्यू मिल जाएगा। पता क्या बोले पवन जी? बोले कि मुझे एक मलाल है कि मैं सुबोध उनियाल को मंत्री नहीं बना पाया, उनकी क्षमता का मुझे अंदाजा नहीं था। मेरी बात समझ रहे हैं? एक डोईवाला के साथ पड़ोस की सीट है, हरक सिंह रावत उस गाड़ी में जब दिल्ली गए थे तो वो गाड़ी वहीं से गई थी सर, पवन जी समझ रहे हैं? हरक सिंह रावत अकेले नहीं जाते। अब क्या करेंगे पवन जी? देखिए तिलक जी, जैसे बहन कमलेश जी कह रही थी
इन्होंने पीठ में छोरा घोपा और हरक सिंह जी को इन्होंने अपनी पार्टी में लिया। ठीक है, मैं मानता हूं हमने अपनी पार्टी में लिया और उनको एक तरह से हमने गलती की, लेकिन मैं समझता हूं आप कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ में धोखा करके वो आपकी पार्टी में गए, आज फिर वो उस चौराहे पर है, क्या उनका आप एंट्री कर रहे हो? और अगर आप एंट्री कर रहे हो तो क्या ये आपके पास श्योर है कि वो फिर ऐसा नहीं करेंगे? और अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर आप उनके बारे में इस तरह की क्यों लालायित है उनको लेने के लिए? पवन जी उनके बारे में विचार कर रहे हो, क्यों नहीं मना कर देते हो? कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं तो आप दो दिन से देख रहे होंगे हम लालायित नहीं है। मैं दो दिन से ये भी देख रहा हूँ कमलेश जी के सारे काम काज छोड़ करके केवल हरक सिंह जी पे ही जो है फोकस है। ये तो मीडिया ने चला रखा है, क्या हमारी तो टिकटॉक को लेकर चल रही है। जी जी जी, चुनाव उत्तराखंड में लड़ना है और पूरी 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 फौज जो है वो दिल्ली में बैठी हुई है और चला मीडिया रही। बहुत बढ़िया कमलेश जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आप गारंटी की बात कर रहे थे हिमांशु जी, मैं गारंटी पर ही आता हूँ। गारंटी तो उनके क्षेत्र की जनता ने कभी नहीं ली, ना कोटद्वार में, ना रुद्रप्रयाग में, ना उससे पहले पौड़ी में, ना श्रीनगर में, ना लालसा। लोगों के पास विकल्प नहीं था, जनता ने गारंटी पहले ली। और पवन जी चाह रहे हैं कि कमलेश जी उनकी गारंटी ले। देखिए जनता के पास पहले विकल्प नहीं था, अब जनता के पास विकल्प है कि दोनों पार्टी को बता दिया जाएगा। दोनों पार्टी के जो दल बदल नेता थे, जो इधर कभी अपना मतलब साधने के लिए कभी कांग्रेस में कभी बीजेपी में, अब इन लोगों के सामने जनता के लिए भी जनता के सामने भी विकल्प है। आम आदमी पार्टी एक मजबूत पार्टी उभर के आ रही है और जनता भी समझिए दोनों पार्टियों के जो नेता है कांग्रेस और भाजपा में, इनका काम सिर्फ दल बदलने का है। और इस बार एक नई सरकार उत्तराखंड में आनी है जो जनता के द्वारा चुनी जानी है और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी को सत्ता में लेके आना है। हम लोग धरातल पे काम कर रहे हैं। हरक सिंह रावत जी की कहानी इस चुनाव में खत्म होने वाली है। जनता को साफ दिख चुका है कि ये घड़ियाली आंसू है। आज बीजेपी नेता से मिला, नाम नहीं बताऊंगा जी, जैसे कभी कभी मैं कांग्रेस भवन भी चला जाता हूँ, आज बीजेपी नेता से मिला। बीजेपी नेता बोले कमलेश जी कि 3 घंटे की फिल्म बनाई जा सकती है हरक सिंह रावत से, 3 घंटे बोले 3 घंटे की फिल्म। मैंने कहा कि 3 घंटे की फिल्म नहीं, आप तो सीरीज बन सकती है, पूरी सीरीज बन सकती है इनके ऊपर, तो सर पूरी सीरीज बन सकती है। आप कह रहे हैं कि फिल्म, मैं कह रहा हूँ कि सीरीज बन सकती है, पूरी सीरीज बन सकती है। लेकिन कमलेश जी, पवन जी, हम मुद्दे पे आते हैं। आपको क्या लगता है कि हरीश रावत माफ कर देंगे हरक सिंह रावत को, कमलेश रमन जी, लगता है आपको? देखिए इसका जवाब तो मेरे से बेहतर माने हरीश रावत जी ही दे पाएंगे और सोनिया गांधी जी ही दे पाएंगे, क्योंकि ये बड़ा प्रकरण है। छोटा प्रकरण तो है नहीं कि गली के कार्यकर्ता की हैसियत से मैं आपको इस बारे में कुछ बता सकूं। इसका जवाब तो हरीश रावत जी बहुत अच्छे से दे पाएंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि कोई आए या कोई जाए, आपको उत्तराखंड की जनता की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, आपको कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। जब आप जाते हैं तब भी और जब आप आते हैं तब भी, क्योंकि माफ कर देना चाहिए, क्योंकि हर नेता के साथ में जन भावनाएं जुड़ी होती हैं, चाहे वो जनता की हो चाहे कार्यकर्ता की हो। अगर उन भावनाओं के अनुरूप कोई नेता नहीं चलेगा तो जनता उनको सड़कों पे ले आएगी, कार्यकर्ता उनको सड़कों पे ले आएंगे और जो मान सम्मान आपको जनता ने और कार्यकर्ताओं ने दिया है वो आपका सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि सम्मान जनता जब देती है। देखिए ये तो हरीश रावत जी को ज्यादा बेहतर पता होगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को माफ कदापि नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से एक स्थिर सरकार को गिराया गया हो, जिसमें कि अपने साथ के गुट के विधायक लेके भाजपा में चले गए हो। तो इन नेताओं को कोई दीन ईमान नहीं है, अपने फायदे के लिए ये नहीं माफ करना चाहिए। पवन जी, हरीश रावत को, हरक सिंह रावत को माफ कर देना चाहिए? पवन जी ये तो उनकी पार्टी का विषय कि वो माफ करे। जी जी तिलक जी, मेरा कहना इसमें यह है कि ये तो कांग्रेस को सोचना है इसको माफ करना है या नहीं करना है। अगर वो माफ करती है तो इसका मतलब वो उन्होंने जो किया था वो अच्छा किया था, और अगर माफ नहीं करती तो इसका मतलब ये कि अपने जो है बात पर अड़िग है।
अच्छा तो ये तो कांग्रेस को देखना है कि जो इनकी पीठ में, जैसे कमलेश जी कह रही थी कि जो हमारी पीठ में जिन्होंने छुरा घोपा और वो आज फिर इनकी तरफ को चाकू लेकर के इनकी तरफ आ रहे हैं, तो फिर वो तो इनको देखना है ना कि वो दोबारा हमसे मांगेंगे ये क्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने जब सॉरी मैं सुन नहीं पाई थी लगती, दोबारा बताइए प्लीज। वो कह रहे हैं कि वो फिर इसका मतलब ये होगा 2016 में जो उन्होंने किया था वो बिल्कुल सही किया था, अगर आप माफ कर देते, लेकिन आपके विधायक ने मोर्चा खोल दिया है, वो विधायक हरीश रावत के भी करीबी है। अब कौन कहां से स्क्रिप्ट लिख रहा है कमलेश मैडम, अब छोड़िए उस बात को, है ना, बात केदारनाथ तक जाएगी फिर। देखिए स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट कौन लिखता है कौन नहीं लिखता है ये तो राजनीति है, और राजनीति में कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, ये लोग सभी अपना देते हैं, माने तो सभी अपना देते, लेकिन गला के और कार्यकर्ता मैं तो कहीं हरीश रावत खबर आ रही है हरीश रावत को लेकर, केदारनाथ तक लोग नाराज हो रहे हैं, बताइए आप मेरे हरीश रावत स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, मैंने कब कहा हरीश रावत स्क्रिप्ट। देखिए हमने तो नहीं कहा कौन लिख रहा है स्क्रिप्ट और कौन नहीं, मैंने तो ये कहा है आपसे, क्योंकि हरीश रावत जी हमारे बहुत ही सीनियर लीडर हैं और बहुत ही सोच समझ के वो अपना निर्णय लेंगे, ऐसा नहीं है, और वो इस उत्तराखंड की जनता की भावनाओं के अनुरूप निर्णय लेंगे, ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई निर्णय किया जाएगा। जी पवन जी कह रहे हैं कि इसका मतलब ये होगा 2016 में जो उन्होंने किया वो बिल्कुल सही किया था, अगर आप माफ कर देखिए। देखिए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर से लोग जा रहे हैं और वहां ज्वाइनिंग भी हो रही है, बड़े बड़े स्तर पर भी हो रही है और छोटे स्तर पर भी हो रही है, तो ये क्या कहेंगे, पवन जी को भी तो इस बात का जवाब देना चाहिए कि जो लोग इनकी पार्टी से गए थे और वापस आ रहे हैं तो क्या इन्होंने माफ कर दिया उनको? अगर ये माफ कर सकते हैं तो कांग्रेस क्यों माफ नहीं कर सकती, पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि खंजर भोंपने का काम तो भारतीय जनता पार्टी हमारे पास एक समूह के तौर पाए थे और हमने वो समूह के तौर पाए थे, अगर आपके साथ में दगा कर रहे थे क्यों नहीं निकाला था अरे सिंह जी को आपने, क्यों नहीं निकालते तो खुद छोड़ आए थे, वो तो खुद छोड़ आए थे भाई, आपने क्यों नहीं निकाला था, हमने तो उनको निकाल करके बाहर कर दिया। देखिए आपने क्यों नहीं निकाला था, और फिर आप उनकी तरफ को देख रहे हैं और आपने भी पहली बात तो ये है कि कांग्रेस के अंदर जितने ग्रुप है और जितने ग्रुप है वो हरीश रावत जी बेटा को नजर आ रहे, और मैं आपको आपको पता ही नहीं। देखिए हरत सिंह जी का आज जो हमारी डिबेट है वो हरत सिंह जी के ऊपर है, तो मैं चाहूंगी कि डिबेट में आप मेरी बात याद रखिए, पार्टी आपकी है मेरी पार्टी नहीं, लेकिन आप बहुत जल्दी निर्णय आप हरत सिंह जी को वापस लेने में जल्दी लेने जा रहे हैं, क्योंकि आपका देखिए वो राजनीति, हरीश रावत जी, हरीश रावत जी मजबूर है क्योंकि हरीश रावत जी की भी चल पा रही पार्टी में, उधर प्रीतम सिंह जी बैठे हुए हैं, तीन तीन ग्रुप आपके आपके भाजपा उसमें कांग्रेस में है, तो ये निर्णय तो आपको बहुत जल्दी लेना पड़ेगा और लेने जा रहे हो आप, शायद आपको पता है। देखिए हम निर्णय हम पे छोड़ दीजिए, वो हमारी पार्टी है, क्या निर्णय लेती है और क्या नहीं लेती है, लेकिन मैं आपकी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते ही आपको ये पूछना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति आपसे दगा कर चुका, क्योंकि ये हमारे घर का मामला है, हम पे छोड़ दीजिए, आप अपने घर को देखिए, आपके घर का मामला है आपके साथ में, तो फिर आप ये सुनिए, आप ये मत कहिए आरक्षण जी को 2016 में हमारे साथ धोखा किया था, आप ये मत कहिए, आप एक बार हमने जो एक बात बोली आप यहाँ पे कहिए कि आरक्षण जी आपने देश की जनता को गुमराह करने का विश्वास घाती है, आपने नौकरियां गुमराह किया, अरे अरे कमलेश जी छोड़िए, तो पूरे उत्तराखंड की जनता जानती है हम क्या कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो, आपने पूरी उत्तराखंड की जनता जानती है, बात को छोड़िए, आपने अरे कमलेश जी आपको इस तरह से चिल्लाने से आपको इस तरह से बोलने से बहन जी कुछ नहीं होना, उत्तराखंड की जनता पहली बात ही जानती है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, आपको पूरी तरह से उत्तराखंड में से लोगों ने नकार दिया है, और आज आप एक दो बात बोल रही है बहन जी, आप
आप एक तरफ तारक सिंह जी को कह रही हैं आप भारतीय जनता दूसरी तरफ कह रही हैं कि आप भूमि को पार्क में लेने का निर्णय ले रहे हैं। यदि यदि आप ये मानती हैं कि वो दगाबाज है, आप दगाबाज को अपने पार्क में क्यों ले रही हैं? आप मना आज इस चैनल पर बैठ करके मना क्यों नहीं कर रही हैं? ये दोनों एक दूसरे को अभी तक देखते रहेंगे। आप बताइए 2022 कमलेश जी कह रही है कि वो दगाबाज थे रक्षित जी, हमारी पार्टी के साथ दगाबाज क्या है? उन्होंने हमारी पार्टी को छोड़ा है, हमारी पार्टी में जो है उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा है और वो पार्टी में चले गए। मैं इनसे एक सवाल करना चाहती हूँ, अगर वास्तव में वो ऐसे थे, चलो हमने जो किया किया, लेकिन अगर वो ऐसे थे और आज वो आपके द्वार पर खड़े हैं तो आप उनका द्वार के लिए क्यों इंतजार कर रहे हो? क्यों तो नहीं, हम आपको पार्टी में नहीं लेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं लेंगे, ऐसा साफ करके दिखाओ ना। आपने अपना सवाल कर दिया है, मैं आपको जवाब दूंगी आपका। देखिए ये हमारे घर का है मामला है, हम अपने आप निपट लेंगे, आपसे पूछेंगे नहीं कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है। सोच लीजिए, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रखे कहिए, भारतीय जनता पार्टी अपने दिल पे हाथ रखे कहे कि क्या गद्दार है कि नहीं है पार्टी, क्या आपने विश्वासघात किया कि नहीं किया इस प्रदेश की जनता के साथ में, लोकतंत्र को गिरा के? आपको जवाब तो देना पड़ेगा प्रदेश की जनता को। आपने डबल इंजन की सरकार बनाई इस प्रदेश की जनता के लिए, आपने क्या किया? अगर वो दुखी होकर के आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके आ रहे हैं तो आपको तकलीफ किस बात की है? ये कांग्रेस पार्टी देखेगी, ये कांग्रेस पार्टी निर्णय लेगी तिलक जी कि उसको क्या करना और क्या नहीं करना। ये निर्णय लेगी सोनिया गांधी जी, ये निर्णय लेंगे हरीश रावत जी, ये निर्णय लेंगे प्रीतम सिंह जी, गोदियार जी। इसमें मैं और पवन जी निर्णय नहीं ले सकते, ये हमारे घर का मामला है, हम जो चाहे करेंगे उसमें, हमने किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ रही हमको। ये घर का मामला नहीं है, घर का मामला नहीं है, ये लड़ाई मुख्यमंत्री पद की है, वर्चस्व की है जी, वर्चस्व की, वर्चस्व की। देखिए तिलक जी, मैं तो कई लोगों की महत्वाकांक्षाएं इतना हिलोर मारती रही कि उन्होंने उत्तराखंड को तबाह करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये महत्वाकांक्षाओं ने, इन्हीं महत्वाकांक्षाओं ने उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया, उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर उत्तराखंड कर्जदार बन गया। समझिएगा मैडम जो बात कह रहा हूं मैं, अगर यही महत्वाकांक्षाएं हावी ना होती तो उत्तराखंड क्रांति दल शायद सत्ता की भागीदार ना होती। बहुत गहराई की बात बता रहा हूं आपको। अब मैं कुछ तस्वीरें चाहूंगा अपने सहयोगी से, फिर मैं उस तस्वीरों पर कमेंट लूंगा। मैं चाहूंगा अपने पीसीआर सहयोगी से जरा वो हंसते हुए हरक सिंह रावत की तस्वीरें प्लीज अगर हम प्ले कर पाए, हंसते हुए हरक सिंह रावत जो कुछ रोज पहले बकायदा तस्वीरें आपको पवन जी, हिमांशु जी कुछ याद आया आपको? और अगर 25 करोड़ लेने गए थे, 25 करोड़? ना, ऐसी बात मत करिए। अरे अपने उसके मेडिकल कॉलेज के लिए। नहीं, वो मेडिकल कॉलेज तो 2 बार शिलान्यास हुआ सर, 4 दीवारी बनाई गई थी 5 करोड़ की लागत से, वो 4 दीवारी बनी थी कमलेश जी के कार्यकाल में। छोड़िए उस बात को, ये हंसते और मुस्कुराते हुए तस्वीर मुझे याद आई तो मैंने कहा आज दर्शकों को दिखाया जाए, कमलेश जी को भी दिखाया जाए, पवन जी को भी दिखाया जाए और हिमांशु जी को भी। अगर इस तस्वीरों में एंजल्स हो आते लगाते हुए तो प्लीज उसको भी थोड़ा उठाइए। और बहुत जबरदस्त तरीके से हंसी मुझे याद आई और कमलेश जी इस हंसी को सुनने के बाद जैसे आप देखेंगे ध्यान से तो लगता है कि कैमरामैन ने बहुत शिद्दत से इन तस्वीरों को कैप्चर किया अपने कैमरे। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जब तक गंगा स्नान कर रहे थे, गंगा में डुबकी लगा रहे थे, तो 55 कैमरे लगे थे, 55 कैमरे, कोई यहां से शूट कर रहा था, कोई वहां से, कोई वहां से।
वैसे ही कुछ मुझे दिखाई दिया कि हरक सिंह राय जिस तक मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, ठहाके लगा रहे। कुछ याद आया पवन जी? जी। खुरेदी मैंने आपसे कुछ याद आया? जी जी जी। कैसे लगी ये तस्वीरें, याद आया कुछ? देखिए तिलक जी, जी जी, देखिए तिलक जी, ये तो एक स्वाभाविक है। ये एक मंत्री थे राज्य में, विधायक होने के बाद मंत्री थे, और माननीय मुख्यमंत्री से मिलना, एक मंत्री का सहज एक स्वभाव होता है कि वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए मिलना जुलना बराबर उनका रहता है। क्षेत्र के विकास की एक तस्वीर जो अभी कोटद्वार की जनता से आपने आप दिखा रहे हैं। विकास नहीं, दोबारा दिखाइए पवन जी, आप देखिए, आप ये तो नॉन पॉलिटिकल बात, नहीं नहीं नहीं, आप पॉलिटिकल बात करिए, ये आप विकास और ये विकास के दावे अभी थोड़ा सा किनारे रखिए, वो तस्वीरें सुमित फिर से प्ले करिए और पवन जी को दिखाइए। नहीं नहीं, आप देखिए ना सर, कितना हंसते हुए ये आपको याद है? हाँ, नहीं दिखाऊं मैं बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ, आप देखिए ना सर, ये मतलब कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं, मेरा मानना यह है कि देखिए, मैं तिलक जी ये कहना चाहता हूँ कि हरक सिंह जी जब ये नाश्ते पे गए थे, नाश्ते पे क्लियर, तिलक जी नाश्ते पे गए थे सुबह सुबह हरक सिंह जी को मनाने। नहीं नहीं नहीं, नाश्ते पे गए थे, डिनर पे गए थे, वो बात छोड़िए। आपको आपको याद आया कमलेश मैडम कुछ हंसते हुए, हिमांशु जी मुस्कुरा रहे, कुछ याद आया ये हंसते मुस्कुराते? सरकार बनाने की कसम खाई थी धामी जी के नेतृत्व में, सरकार बनाने की, याद आ गया आपको? आप सब समझ रही है मैं कहां, मैं मानता हूँ हरीश रावत जैसा हमारे एक तीर से चार शिकार नहीं कर सकते, लेकिन हरीश रावत जी को देखते देखते हम समझ गए कि शिकारी कौन है और शिकार कौन है, ये भी मैं समझ गया। हिमांशु भाई, ये तस्वीरें दिखाते, मेरा इरादा पवन जी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे क्या मकसद पहुंचा? देखिए दोनों, इस तस्वीर से आप साफ जग जाहिर है कि दामी जी ने बड़े प्यार से उन्हें आगे आगे कहा कि आप चलिए, आप आगे चलिए, इतना आपने भाजपा की बहुत सेवा कर ली, अब आप जाइए तो आप कांग्रेस की सेवा कीजिए, और उधर से कांग्रेस ने लेने से मना कर रहे हैं। अब बेचारे हरक सिंह रावत जी जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि इन्होंने जनता के साथ हमेशा तो खिलवाड़ किया ही है, पहले रुद्रप्रयाग फिर कोटद्वार, अब देखिए पता नहीं कहाँ का उद्धार होने जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जनता इस बार समझेगी ये घड़ियाली आंसुओं का जवाब कैसे देना है। कमलेश जी, ऑडियो नहीं आ रहा मैडम आपको, अब कमलेश मैडम, कमलेश मैडम, अच्छा कमलेश मैडम के लिए भी तस्वीरें सुमित प्लीज, अब रोते हुए हरक सिंह रावत को प्ले करिएगा, रोते हुए हरक सिंह रावत की तस्वीरें प्ले करिए प्लीज, पवन जी को वो तस्वीरें भी दिखाएंगे हम कमलेश जी को, जी ये रोते हुए तस्वीरें, पहले मैंने हंसते हुए तस्वीरें दिखाई, अब रोते हुए तस्वीरें, चार साल साढ़े चार साल कोटद्वार की जनता रोती रही, आज ये रो रहे हैं। पवन जी ये वाली तस्वीर देखकर आपको कैसा महसूस होता है? पवन जी आवाज नहीं आ रही, मैं कमलेश जी आवाज आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, अभी सिर्फ रोते हुए देखिए आप हरक सिंह रावत की तस्वीरें, कमलेश जी को भी कनेक्ट करिए, पवन जी ऑडियो नहीं आ रहा, ओके हिमांशु जी जी तिलक जी जी, हरक सिंह रावत की रोते हुए तस्वीरें देखिए, मैं समझता हूँ ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं रोते हुए की, मुझे लगता है इन पे अपने किए हुए पे पछतावा हो रहा है कि तुम इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ दबाव की राजनीति ना बनाते, अपने एक विचारधारा की उसमें मिलकर चलते, तो शायद आज उनको रोना ना पड़ता, ये पछतावा ना होता। आज वो रो करके कह रहे हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक बार भी नहीं पूछा, कम से कम मुझे बता तो देते कि आपके साथ ऐसा होने जा रहा है। अरे भाई, हमने तो कई बार आपको समझाने का प्रयास किया लेकिन आप समझ नहीं रहे थे, आप सोच रहे थे ये भी कांग्रेस की तरह जब वो जोर जोर से हंस रहे थे, पवन जी का रास्ता जब दिखा, कांग्रेस की तरह का क्या मतलब है उनको, उनको लगा पवन जी कांग्रेस की तरह का क्या मतलब है? नहीं, इसका सवाल का जवाब दीजिए, कांग्रेस की तरह का क्या मतलब है? कमलेश जी, कमलेश जी, गुस्सा नहीं, आप वो तो मैं कह रहा था, ये मेरा कहने का तात्पर्य है, कांग्रेस की तरह क्या, देखिए कमलेश जी, कांग्रेस की तरह का क्या मतलब हुआ, आप अपनी बात का जवाब दीजिए सीधा सीधा, ना ना कमलेश जी छोड़िए उनको ना, मैं कह रहा हूँ रोते हुए आप हरक सिंह रावत को देख रहे हैं,
अब इसको लेकर भी कोई कमेंट करेंगे आप? ये देखिए, मैं देखिए तिरक जी, मैं बहुत साफ वही से कहना चाहती हूँ कि उनके जो ये रोने के जो आंसू हैं, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैं साफ शब्दों में आपको कहना चाहती हूँ। आपको मगरमच्छ के आंसू लगते हैं? देखिए, मैं मगरमच्छ के आंसू नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ एक व्यक्ति अगर अपनी गलती एक बार गलती जब करता है और रोता है तो वाकई में ही ऐसा लगता है कि हाँ गलती की है, तो वो गलती मान रहे हैं अपनी, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि वो गलती मान रहे हैं। लेकिन जब कोई चीज बार बार की जाती है तो जानबूझ के की जाती है, ये सारी वो कमलेश जी इसलिए नहीं रो रहे हैं कि वो जो है गलती की है, वो इसलिए नहीं रो रहे हैं कि वो इसलिए रो रहे हैं कि 2016 में इसलिए रो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं ऐसा ना करता तो शायद आज मेरे सामने ये दिन ना देखने पड़ते। पवन जी इसलिए रो रहे हैं, और समझिए सुनिए, वो दिल से इसलिए रो रहे हैं आज की 2016 में जो आपने उनके साथ उनका कुकर्म करवाया था, उनके हाथ साथ में मिलकर के उनको शामिल किया था, कराया था। अरे भाई हमने कराया था कि जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने अपनी पार्टी के साथ गद्दारी की, जिस पार्टी के लिए उन्होंने हरीश रावत जी एक ऐसी भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने समय खराब किया, अगर हमने कराया था तो माफी आप किसको मांग रहे हैं? तो सच्चाई अगर हमने कराया था आप माफ करिए, हम करिए। सवाल ये है कि अब उत्तराखंड की जनता उन्हें माफ करती है या नहीं? बिल्कुल, ये सवाल बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है तिलक जी, और मैं एग्री करती हूँ इस चीज के लिए। मैंने बार बार कहा है कि जनता की भावनाओं के अनुरूप नहीं चलोगे तो जनता सजा देगी। उत्तराखंड की जनता जी, उत्तराखंड की जनता तय करेगी आप कि माफ किया या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तिलक जी, मुझे उन्होंने कमलेश जी को मैं बता देना चाहता हूँ, उन्होंने अपनी पार्टी में इनको ले भी लिया, शायद इनको मालूम नहीं है। पवन जी गारंटी तो कोलकाता की जनता ने दी, रुद्रप्रयाग की जनता ने दी, आप कमलेश जी से गारंटी दिलवा रहे हैं। फिलहाल ये उत्तराखंड की सियासत है जहां पर हरक सिंह रावत को लेकर इस तरह के कई अध्याय। अब इस अध्याय का अंत क्या होगा ये देखना वाकई में दिलचस्प। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।